फोन बज रहा है। फोन? हाँ। हेलो। रणवीर किथे है? वो अपने कॉलेज के टूर पे गया है, अभी तक घर वापस नहीं आया। मैं आ रही हूं। प्रीत आ रही है। और उसके घर आने से पहले रणबीर को घर पे आना चाहिए। अब सब के सब उसकी जी हजूरी में लग जाएंगे। हर कोई ये दिखाने की कोशिश करेगा कि उसको प्रीत की कितनी फिक्र है, पर मेरे रणबीर की किसी को फिक्र नहीं। ओहो, क्या है? सोते सोते क्यों उठकर बैठ गया? क्या हुआ? बहुत बेचैनी सी हो रही है। रानू के बारे में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। रानू किसी मुसीबत में ना हो। हेलो, मैं धर्मशाला से शकुंतला देवी कॉलेज का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। वो आपकी बेटी रानू कॉलेज पिकनिक पे गई थी, मगर वहाँ से लापता है। ओहो, अब सो भी जाइए। रानू, 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 मैं अब ठीक हूँ रानो। मैं अपनी जान बचाने के लिए तुझे थैंक्स नहीं कहूँगा, पर मैं हमेशा याद रखूँगा कि मेरी जिंदगी और मेरी सांसें तेरी कर्जदार है। रणबीर, वक्त और हालात ने हमें एक ऐसे बंधन में बांध दिया जिसे हम चाह के भी तोड़ नहीं पा रहे। शायद किस्मत भी यही चाहती थी कि हम दोनों एक दूसरे की जान बचाएं। रानू, मेरी नई जिंदगी की नई सुबह तुमसे शुरू हुई है। मैं कितना गलत सोचता था तेरे बारे में। सोचता था कि तू कितनी बददिमाग, नचड़ी, गुस्से वाली लड़की है, पर मैं गलत था। तू तो बिल्कुल नारियल की तरह है। मतलब तेरा दिल एकदम साफ और सॉफ्ट है। रानो, you're a very sweet girl. जब मैंने तुम्हें पहले देखा था ना, तो मैंने सोचा बहुत ही बिगड़ा हुआ रईस ज्यादा होगा। इसकी शक्ल तो ठीक ठाक है, लेकिन अकल छू कर तक नहीं गई। लेकिन मैं गलत थी। तुम इतने बुरे भी नहीं हो। अकल है, लेकिन उसका इस्तेमाल कम करते हो, कभी कभी करते हो। ओए, तू मेरी तारीफ कर रही है या एवे ही? रणबीर, तुमने कितना तंग किया है मुझे। तुम्हें याद है वो हॉस्टल वाला किस्सा? अगर इंसान कुछ चाहे तो इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो चलो ना, हम दोनों मिलकर इस हथकड़ी को तोड़ने का तरीका ढूंढते हैं। हाँ, ढूंढ सकते हैं। अरे, कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही सकता है। हाँ। चलो। ओए, क्या छुपा रही है तू? हाँ, दिखा, क्या है तेरे हाथ में? कुछ नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर छुपा क्यों रही है? दिखा। लगता है इस हथकड़ी की चाबी है तेरे हाथ में, जो तूने जानबूझकर मुझे नहीं दी ताकि हम कभी अलग ना हो सके। और रियली अगर ऐसा होता तो मैं ये हथकड़ी पत्थर से तोड़ने की कोशिश क्यों करती? तो फिर दिखाती क्यों नहीं? कुछ नहीं। ये किसी की निशानी है, जो मुझे इस निशानी के साथ साथ ढेर सारे सपने भी दे गया। अब बस मुझे इसी के आने का इंतजार है जिसने मुझे निशानी दी थी। उसके आते ही मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। चलो ना, जल्दी से चलते हैं और इस हथकड़ी को तोड़ने का तरीका ढूंढते हैं। हाँ, वो तो ढूंढ ही लेंगे, पर एक बात सच बताना, क्या तुम मुझसे अलग होकर मने पाएगी? प्लीज मुझे ऐसे मत देख, वरना अभी बिछड़ना मुश्किल हो जाएगा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था और तू सीरियस हो गई। चल, इससे पहले कि तुझे फिर गुस्सा आ जाए, जाके किसी लोहार को ढूंढते हैं जो इसे तोड़ सके। ये किसी की निशानी है जो मुझे इस निशानी के साथ साथ ढेर सारे सपने भी दे गया। क्या तुम मुझसे अलग होकर रह पाएगी? गड्डी रोको। चार मिनट के बाद स्टार्ट करना। डेराबस्सी पहुंचने का शुभ समय 4 मिनट के बाद। चलो आ गई, ये भी आ गई। ये हवेली मेरे वजूद का हिस्सा है, मेरी पहचान है, ताकत है ये मेरी। ये हवेली मेरी है। रणवीर, तुम्हें चोट लगी क्या? रणवीर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो। तुम्हें चोट लगी है पैर में, तुम यहाँ पे चुपचाप से बैठो, मेरे को एक बार देख लेने दो। बैठ यहाँ पे। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ रानू। तुम मेरी चिंता मत करो, थोड़ी सी फिक्र उसके लिए भी छोड़ दो जिसकी निशानी तुम अपने हाथ में लिए बेसब्री से उसका इंतजार कर रही हो। इतना लगाव भी ठीक नहीं है मुझसे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए। रणवीर किथे है? मैं कुछ पूछ रही हूँ, यहाँ पे मुझे जवाब मिलेगा? कुछ पूछ रही हूँ मैं यहाँ पे? जी वो रणवीर तो कॉलेज के ट्रिप पे गया था, वहां से घर वापस ही नहीं आया। किसी लड़की के साथ कहीं चला गया है। कौन है लड़की? जी माता रानी की सौंप, पर मैनू नहीं पता। तो फिर किसे पता है? वो जी सन्याल साहब के लोगों को। ये भी कह रहे थे कि कहीं उस लड़की का और रणबीर का कोई चक्कर शक्कर तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह वो दोनों साथ साथ नजर आए थे ना, लग रहा था दोनों जन प्यार में है। प्यार हो गया है? फालतू की फजूल की बातें, फालतू का खोखला शब्द, बकवास। नहीं, प्यार जिंदगी में अंधेरा कर देता है, अंधेरा कर देता है, अंधेरा कर देता है।